अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज हम बनाने लगे थे भल्ले, आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। ये 1 कप मैंने ली है मूंग की दाल और 1 कप माश की दाल, इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। देखिए जी, हमारी एक दाल मूंग जो है वो हो गई और इसमें आ गई। बहुत ज़्यादा जो थीक थी, ये इस तरह गर्म ब्लेंड नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 सालन वाला चम्मच जो है वो पानी का इसमें शामिल किया, फिर ये इस तरह हुई है। ये हमने दोनों दालों को ना अब इकट्ठे डाल के इस चॉपर में से एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। ये देखिए अब इसकी ये चीज़ बन गई। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और हल्की चुटकी एक अजवाइन की। अगर सब्ज़ मिर्चें हैं आपके पास तो सब्ज़ मिर्चें साथ शामिल कर लें। हमने आधी दाल को अलग कर लिया, दोनों दालों को हमने अब इसमें डाल के ब्लेंडर के साथ फैट ब्लेंडर के साथ पहली को तोड़ने के साथ मेरे से होगा नहीं, इसलिए मैं इसके लिए फैट ब्लेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कुंडी घोटने के साथ पहले इसके उसमें थोड़ी हवा आनी चाहिए, ये बिल्कुल फूल जाएगा। इसको मैं इसलिए इसके हैंड ब्लेंडर के साथ है इसमें यूज़ कर रही हूँ इसका। ये आप देख रहे हैं इसमें, ये आप इसको चला देंगे। चलाने के बाद इसको इस तरह घुमाते रहेंगे। ये माशाल्लाह से ये जितना मैंने डाला था उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तकरीबन ये बाउल हाफ से ज़्यादा हो जाएगा इस दाल के साथ। प्याले के नज़दीक मैंने बेसन ले लिया है। इस बेसन में जो ये हमने ब्लेंड किया है इसी वाले मिक्सचर को हम हल कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये इस तरह लग रहा है कि जैसे थोड़ा पतला हो, तो इसमें फिर हम इसको हम एक ही तरफ में हल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो मिक्सर हमने बनाया है वो हम शामिल करते जाएंगे और इसको इस तरह हल करते जाएंगे। देखें जी, इसको ज़रा सा हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी चीज़ के लिए, इस बगैर मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होगा हमें। ये देखें हम इसको इस तरह करके उंगलियों के जिनके इस पंजा बना के इस तरह इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इनको सबको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद इसमें से इस तरह उंगलियों गुजार के देखेंगे, अगर तो 2-3 सेकेंड में आपका जो मिक्सर मिल जाता है तो आपका बैटर अच्छा बन गया है। अब हम फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखें तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने इस तरह हाथों के साथ इसे इस तरह किया है। इसके बाद इनकी ये इस हालत में ये आ गया जिसमें हमें चाहिए। अब हम इनको अच्छी तरह से परात को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अब हम इसको ले जा के कढ़ाई पे में डालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हल्का सा पानी लगा लिया और इस तरह इतना सा मटेरियल लेके हम बल्ले के जितना इसको सेट करने के बाद हमें इसको कढ़ाई में अंदर डाल देंगे। नहीं मेरा हाथ मटेरियल लगा
ये देखिए मैंने पहले थोड़ा सा डाला था डाल के, चलिए ये देखें, ये देखें इसको तोड़ के भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, इनको पानी में डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा फूल जाएंगे। जो दूसरा मैंने बनाए हैं, दूसरी दफ़ा डालें इसलिए फिर मैंने वो छोटे छोटे पीस डाले हैं। ये देखें हमने इनको भगो के रख दिया था माशाल्लाह से। अब इसको मैंने हल्का सा निचोड़ लिया है कि इसमें से पानी सारा निकल जाए। माशाल्लाह से देखिए अंदर से बिल्कुल बाजार जैसे नरम और सॉफ्ट हैं। अब हम इसको अपनी दही में शामिल कर लेंगे। बच्चों ने को तो वैसे ही बहुत मज़े के लगे, बच्चों ने तो माशाल्लाह। छोटे बेटे का मेरे को आज बुखार था, उसने रोज़ा नहीं रखा था, उसने कहा मम्मा बहुत मज़े के बने हैं। उसने बगैर रोज़ा नहीं था इसलिए उसने फिर वो खा लिया तो कहा कि बहुत टेस्टी बने। हम तो बाकी सब तो रोज़ा खोल के देखेंगे कि किस तरह बने हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आप सबको वसी रिस्क दे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।